हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि जो माल्टा की जो इंटरव्यू है, पहले मैं बना चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करेंगे। जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे जो जो अभी बोला है कि उनसे क्या पूछा गया था रिसेंटली, 3-4 लड़कों का मुझे मैसेज आया था कि उनकी इंटरव्यू हुई है और उनके वीज़े कब तक आएंगे, वो ये पूछना चाहते थे मेरे से। और मैंने उनसे पूछा भी कि आपसे क्या क्या पूछा गया था, तो मैं उसी वही चीज़ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक। एंड शुरुआत करते हैं वीडियो को कि सबसे पहले जो पूछा गया था उनसे कि सबसे पहले वो पूछते हैं, हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम माल्टा एम्बेसी, एम आई स्पीकिंग विद, मान के चलो राहुल है, एम आई स्पीकिंग विद राहुल, फिर आपने जो भी आपका नाम है आपने कन्फर्म करना है, येस आई एम स्पीकिंग, ओके टेल मी योर फुल नेम, सबसे पहले ये पूछा गया था। आफ्टर दैट ओके योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बताना है आपने। आफ्टर दैट ये उन्होंने जो पूछा था उन्होंने, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, तो आप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं बोलना होता अगर आप एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया, तो कभी नहीं बोलना होता कि मैंने एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया होता है। अगर आपने ये बोल दिया तो वीज़ा 100% रिजेक्ट है, आपको वीज़ा लगने का कोई चांस ही नहीं है। ये पूछा गया था उनसे, जो भी होगा आपने बताना है आपको जॉब कैसे मिली है। तो अगर आप मोस्टली लोग जो होते हैं 90% मान के चलता हूँ मैं कि वो एजेंसी के थ्रू ही करवाते हैं, वो पहले बात तो एजेंसी अगर जेन्युइन एजेंसी होगी, अच्छी एजेंसी होगी, तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करवा देते हैं। लेकिन जो लोग खुद अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो वह उनको भी पता लग जाएगा कि क्या होता है। और उसके बाद पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर एम्प्लॉयर नेम, आपके एम्प्लॉयर का जो नाम है आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को तो पता नहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में फ़र्क क्या है। एम्प्लॉई आप हो और जो एम्प्लॉयर है वो आपका बॉस है, जो आपका मालिक है, जो आपको काम देगा, ही इज़ एम्प्लॉयर, ही और शी इज़ एम्प्लॉयर। और कंपनी का एड्रेस और कंपनी का नाम ये पूछा गया था। ओके योर कंपनी सिचुएटेड इन विच एरिया, आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी कहाँ है, क्योंकि आप जब आओगे यहाँ पे लैंड होगे तो कंपनी का कोई भी ड्राइवर आपको लेने के लिए नहीं जाएगा रूम में, तो आपको अगर कंपनी का एड्रेस पता होगा तभी आप वहाँ जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सबमिट करोगे। उसके बाद कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा एचआर, वो आपको मेडिकल कौन कौन से होंगे आपके उसके लिए बताएगा। इसलिए आपको कंपनी का एड्रेस बहुत बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपकी कहाँ है। ये उसके बाद फिर पूछा गया था व्हाई यू चूज़ माल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने माल्टा ही क्यों चूज़ किया और क्यों नहीं और कोई कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता नहीं होता माल्टा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपने चूज़ किया है माल्टा। और अगर आपको इसके बारे में जानना चाहते हो कि इसकी पूरी इसका आंसर कैसे करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें अच्छी तरह से रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मैं आज आपको आंसर नहीं दूंगा, साथ साथ में आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, जो जो मेन मेन पूछा गया था मैं आपको वो बताऊँगा। अगर आपको किसी भी माल्टा के रिलेटेड में क्वेश्चन आंसर के बारे में अगर आपने जानना है तो मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा फॉर श्योर। और उससे बाद पूछा गया था कि जो आपका जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है ये कब इशू हुआ था, उस बंदे से पूछा गया था, तो उसको पता ही नहीं था कि कब इशू हुआ था, क्योंकि बंदा भूल जाता है। तो उसके बाद पूछा गया था कि आपकी सैलरी क्या है, तो सैलरी होगी थी उसने बता दिया, और ड्यूटी आर पूछे थे कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होगी, ये सारा कुछ पूछा था और इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं था। तो इसका मतलब यही नहीं कि उन बंदों से सिर्फ वही पूछा जाएगा, क्योंकि रैंडमली आंसर जो क्वेश्चन होते हैं उन लोगों ने कोई भी क्वेश्चन जो आपका जो प्रोफाइल होता है उसी के बिहाव पे उन लोगों ने सारा पढ़ना होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है उनके पास है, उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सब कुछ मेंशन है, आपकी कंपनी का नाम, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम, कंपनी का एड्रेस, आप कंपनी आपको क्या सैलरी देगी, क्या ड्यूटी है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो आपका पास जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट आता है कंपनी का, मेक श्योर आप उसको रट लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि और सारी चीज़ें उसी में लिखी हैं, जो आपका जो वर्क है, क्या काम के लिए आप आओगे या माल्टा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन की होती हैं। तो वो सारा कुछ अपने वर्क जो परमिट है, आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप, वो आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।